वेलकम व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन टॉपिक यानी भिन्न का गुणा टॉपिक को कवर कर रहे हैं, और इस टॉपिक को हम बहुत इजी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन टॉपिक को कवर करने के लिए मैंने दो तरीके बताए हैं, आप उन दोनों तरीकों को सीखिएगा और उसके बाद से फिर आप अपनी बुक से दिए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, तब आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसके पहले हमने भिन्न के और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा, लेकिन पहले ये वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद से वो वीडियोस को देखिएगा। देखिए होता क्या है कि जब फ्रैक्शन के आपको सवाल मिल जाते हैं मल्टीप्लाई करने के, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फ्रैक्शन ये लिखी हुई है और दूसरी फ्रैक्शन ये लिखी हुई है और इसका मल्टीप्लाई करना है, तो आप करते क्या हैं कि आप अपनी पेन को बाहुबली की तलवार समझ लेते हैं और बिना सोचे समझे जो है ऊपर वाली नंबर का ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं और इस नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं और सोचते हैं यही आंसर है। तो आपकी इस समस्या को दूर करने के लिए हम आज का वीडियो लाए हैं। वंदे मातरम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में, जहाँ आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न का गुणा करना सीखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि भिन्न का गुणा करने के मैंने दो तरीके बताए हैं। पहले तरीके में हम टाइप वन वाले क्वेश्चन को देखेंगे और दूसरे तरीके में हम टाइप टू वाले क्वेश्चन को देखेंगे। टाइप वन में जो है सबसे पहले हम वैसे क्वेश्चंस को देखते हैं जहाँ पे किसी होल नंबर यानी पूर्णांक संख्या का किसी फ्रैक्शन वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें आंसर निकालना होता है, और टाइप टू में जो है हम ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जहाँ किसी एक फ्रैक्शन का किसी दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके हमें आंसर निकालना होता है। और ये तरीका सीखने के बाद से हम एक क्वेश्चन से इसकी प्रैक्टिस करेंगे और ये तरीका सीखने के बाद से हम इस क्वेश्चन से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे एक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर 5 दिया हुआ है और दूसरा जो है वो एक फ्रैक्शन वाला नंबर दिया हुआ है। तो ऐसे सवालों को करने का तरीका सबसे अच्छा ये होता है कि जो भी होल नंबर दिया रहता है उसका डिनोमिनेटर यानी हर वाली संख्या हमेशा एक होती है और वो हमेशा हिडन फॉर्म में होती है। ये बात आप आज से जान लीजिए। अगर आप जानते थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज ये आपको बात पता चल गई है। अब देखिए, अब आधा काम हमारा हो चुका है, इसके बाद से अब हमें बहुत कुछ नहीं करना है। हमें ये पता चल चुका है कि इस 5 के नीचे जो है वो डिनोमिनेटर के रूप में हमारे पास एक संख्या है, वो है 1। अब देखिए यहाँ तक हम कर चुके हैं, अब यहाँ से हमें आगे कुछ करना ही नहीं है। बस हम ये रूल अप्लाई करेंगे कि पहले वाले फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो दूसरे वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ एक लाइन खींच देते हैं और इससे इसका मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देते हैं, तो इससे इसका मल्टीप्लाई करने पे 10 आ गया। अब नीचे नीचे वाली संख्या का मल्टीप्लाई होगा, तो 1 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 7, और यही जो है हमारे क्वेश्चन का आंसर बन सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमारा डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है, न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है, तो हम ऐसी कंडीशन में मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर निकालना सीख लेते हैं। तो इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम 7 से 10 को डिवाइड करते हैं, तो 7 1 जा 7 हो गया 1 टाइम्स में, 3 रिमाइंडर बच गया, तो हम 3 ऊपर लिख देते हैं और 7 को यहाँ उतार देते हैं और ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। ये जो दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा हुआ है ये थोड़ा सा पहले वाले क्वेश्चन से अलग है। अलग इस सेंस में है कि इसका डिनोमिनेटर भी 1 ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम एक अलग रूल अप्लाई करेंगे, आइए करके देखते हैं। जैसे हमें ये तो पता है कि इसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, ठीक है। अब हम करते ये हैं कि अब हम ये देखते हैं कि अगर पहले वाले फ्रैक्शन के नीचे जो हर वाली संख्या है उस नीचे वाली हर वाली संख्या का दूसरे भिन्न के अंश वाली संख्या से कि नहीं है। तो हम सबसे पहले इन नंबर्स को ऐसे उतार लेते हैं और उतारने के बाद से अब हम आगे का काम करना स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे एक ही कंडीशन ये है कि हमें ये दोनों नंबर्स जो हैं किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 2 से अगर हम डिवाइड करें तो 2 से जो है 8 4 टाइम्स में डिवाइड होगा और 12 जो है 6 टाइम्स में डिवाइड होगा ना।
अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। अगर हम एक बार और कोशिश करें तो 2 से जो है 4 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, और 2 से हम डिवाइड करेंगे 3 को 3 टाइम्स में। अब फिलहाल ज़्यादा भीड़ हो गई है यहाँ, तो हम जो है इसको उतार लेते हैं एज इट इज़ करके। तो देखिए यहाँ पे 2 है ऊपर न्यूमिरेटर में, और डिनोमिनेटर इसका क्या है, 1 है। ऐसे उतार लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। ये दूसरे वाले फ्रैक्शन में न्यूमिरेटर 3 है तो हम 3 उतार लेते हैं, और दूसरे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3 है तो यहाँ हम 3 उतार लेते हैं। अब देखिए हमें क्लियर दिख रहा है कि 3 और 3 आपस में डिवाइड हो सकता है, तो हम 3 से 3 को आपस में डिवाइड कर देते हैं 1 टाइम्स में, ठीक है। तो अब इसके बाद से हम इसको ऐसे करके अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था, ऊपर वाले न्यूमिरेटर का दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई किया था, ऐसे ही हम यहाँ करेंगे। यहाँ इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 2 हो गया। हम इसको लिख देते हैं, अपॉन कर देते हैं, और यहाँ 3 से 3 का डिवाइड 1 टाइम्स में किया था, यहाँ पे 1 बचा हुआ है तो हम यहाँ 1 लिख देते हैं। अब आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अरे बहुत आसान है, इसका आंसर आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें 2 को 1 से डिवाइड करना है, तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा, और यही जो है आंसर हो गया। तरीका समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अब टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। टाइप 2 में हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां किसी एक फ्रैक्शन वाली वैल्यू का किसी दूसरे फ्रैक्शन वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। सीधी भाषा में बोलें तो एक भिन्न का दूसरे भिन्न से हमें गुणा करना है। तो देखिए जो ये तरीका हमने इस टाइप 1 में सीखा था, वही तरीका हम यहाँ अप्लाई कर देंगे और बस हमारा काम हो जाएगा, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, और अपॉन का साइन बना लिया, और 3 का 7 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो है 21 आ गया इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे। अब देखिए मैंने आपको यहाँ बताया था ना कि जब डिनोमिनेटर हमारा छोटा होता है न्यूमिरेटर बड़ा होता है तो हम आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे मामला उल्टा है, यानी न्यूमिरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे जो है नंबर्स का आपस में क्रॉस करके डिवाइड करने वाला सिस्टम सीखा था, हम यहाँ पे भी कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है करना। तो सबसे पहले हम नंबर्स को यहाँ एज इट इज़ उतार लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि ये डिवाइड हो सकता है कि नहीं है। बस अब नंबर्स को ध्यान से देखेंगे तो नंबर्स खुद कूद कूद के आपको कहने लगेंगे कि हाँ मैं डिवाइड होने वाला हूँ, मैं डिवाइड होने वाला हूँ। और देखिए जैसे ही हम नज़र डालते हैं हमें समझ में आ जाता है कि ये 9 जो है 3 से 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, और ये 6 जो है 3 से 2 टाइम्स में डिवाइड होगा। अब ये 5 है और ये 11 है, ये आपस में किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। ये 2 है, ये 11 है, ये आपस में किसी कॉमन नंबर से नहीं डिवाइड हो सकते हैं। ये 5 है, ये 3 है, ये दोनों आपस में किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब आगे जो है किसी भी तरीके के नंबर्स आपस में डिवाइड नहीं होंगे। अब हम नंबर्स को पहले अच्छे से उतार लेते हैं ताकि हमारे पास कोई कन्फ्यूजन ना रहे, और इस तरीके से हमने नंबर्स को उतार लिया है। और आगे तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको करना क्या है। जी हाँ, बिल्कुल यही तरीका अपनाना है जो हमने यहाँ अपनाया था। तो आप समझ रहे होंगे कि अगर हमें बेसिक मेथड पता चल गया है तो हम किसी भी तरीके के क्वेश्चन को आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो हम 5 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 10, अपॉन लगा देते हैं, और 3 में 11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नंबर आता है 33। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिरेटर छोटा है, यानी हमें इसके आगे अब कोई डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर नहीं निकालना है, और यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरीके से आज हमने मल्टीप्लिकेशन यानी भिन्न के मल्टीप्लिकेशन वाले दो तरीके सीखे। टाइप 1 वाले तरीके को भी हमने सीखा, टाइप 2 वाले तरीके को भी सीखा। और सारा कुछ सीखने के बाद से हमें ये समझ में आ गया कि अगर हमारे पास रूल रहेगा तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ किसी भी तरीके को क्वेश्चन को करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे क्वेश्चन के तरीके सीखने के बाद से आप अपनी बुक से सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा और तब बाहुबली बन के मुझे दिखाइएगा, मुझे भी बहुत खुशी होगी। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको।